माइग्रेन एक तरह का सीवियर हेडेक होता है जो अक्सर सर के एक हिस्से में होता है, लेकिन कभी कभी दोनों तरफ भी हो सकता है। माइग्रेन होने पर आपको बहुत दर्द और तकलीफ हो सकती है। इसका दर्द पल्सेटिंग यानी धड़कने वाला होता है। इस वीडियो में हम माइग्रेन होने के कारण, इसका लक्षण और इसे ठीक करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानेंगे, साथ ही कुछ दवाओं को भी समझेंगे जो आपके माइग्रेन के दर्द को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइग्रेन के सिम्टम्स एक इंसान से दूसरे इंसान में अलग अलग हो सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन सिम्टम्स को बता रहे हैं। जैसे माइग्रेन होने का सबसे प्रमुख लक्षण है, सिर में बहुत तेज और तकलीफ देने वाला दर्द होता है। माइग्रेन से पीड़ित लगभग 20% लोगों में माइग्रेन दर्द के आने से पहले ऑरा का एहसास हो जाता है। इससे देखने में समस्या, चमकीली रोशनी, दाग धब्बे या चक्कर भी आ सकता है। माइग्रेन के समय इंसान को नौजिया और वोमिटिंग हो सकती है। माइग्रेन के पेशेंट को तेज रोशनी और तेज शोर से चिड़चिड़ापन हो सकता है और इससे उसका दर्द और भी तेज हो जाता है। माइग्रेन होने के कई कारण हो सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ की वजह से प्रभावित हो सकता है। इसके कुछ मेन कारणों की बात करें तो माइग्रेन एक पारिवारिक स्थिति हो सकती है, यानी अगर आपके परिवार में माइग्रेन के रोगी हैं तो ये जेनेटिकली आपको भी हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। औरतों में मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान माइग्रेन की समस्या हो सकती है। स्ट्रेस और नींद की कमी भी माइग्रेन की समस्या का कारण बन सकता है। इन सब के अलावा कुछ खाने पीने की चीजें जैसे चॉकलेट, कैफीन, चीज, रेड वाइन भी आपके माइग्रेन का कारण हो सकती हैं। अब बात करते हैं माइग्रेन की समस्या को ठीक करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में, लेकिन अगर ये गंभीर है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह लें। माइग्रेन की समस्या से आराम पाने के लिए आपको हल्के गुनगुने पानी में नहाना चाहिए, इससे आपको आराम मिल सकता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और स्ट्रेस को कम करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक का इस्तेमाल करें। माइग्रेन के समय सिर पर गर्म पट्टी लगाने से दर्द का एहसास कम हो सकता है। वीडियो के इस पार्ट में कुछ दवाओं के बारे में जानेंगे जो आपके माइग्रेन की समस्या को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है। ब्राह्मी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपके ब्रेन और नर्व्स के लिए फायदेमंद हो सकती है। आप इसको पाउडर, टेबलेट्स और आयल के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून फलस्पा एक यूनानी दवा है जो आपके मेंटल प्रॉब्लम के साथ किडनी और जॉइंट पेन को भी ठीक करने में मदद कर सकती है। इन सब के अलावा मॉडर्न मेडिसिन में ट्रिप्टेंस ग्रुप की दवाएं, NSAIDs, बीटा ब्लॉकर्स और एंटी डिप्रेसेंट जैसी दवाएं माइग्रेन के दर्द को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती हैं। वीडियो में बताई गई सारी दवाइयां आपकी जानकारी के लिए हैं। किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़े किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।